आने की जरूरत नहीं है। मैं तो लगभग हिंदुस्तान के साथ लगभग सब प्रदेशों में प्रभारी रहा हूं और मैं देखा हमारे गोल विरोधी भी आज मोदी की झुंझुना बजाने लगे, तो हमको बजाने में क्यों डर लगना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग आगामी 23 को ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। गलत फैमिली मत बोल दो भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। ये जयपुर वाला कैडिट लिस्ट भेजी ना तो हर गांव में एक एक मत जानो ध्यान रख जाओ। अगर कोई गलत फैमिली मत बोल, और मैं फूटो काट दू ना तो कुछ मोदी भी नहीं ला सका। मान मानते हैं कोई मैंने संकोच की बात नहीं करूंगा। तो ये तेरा मेरा मेरा लाल मुझे नमस्ते करता है, मुझे चार छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। इस गलत फहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। पार्टी जो भी निर्णय करे, पार्टी जो भी तय करे, हम पूरी ताकत से पार्टी के साथ लगेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं से आपने मुझे इतनी देर में कैसी धूप में इतनी धैर्यता से सुना, मुझे तो मानसी में थोड़ा गुस्सा है। मैं मान जी आप सामियाना तो लगा देते आप, बोलते मैं तो आपको भी धूप में खड़ा किया हमने भाई भगवान जय हो। एक बात और पूछकर, पिछली बार केंद्र की योजना से हमने पर्वत सर से किशनगढ़ के लिए रेल पास की थी, रेल लाइन पास की थी, है ना ध्यान सबने अटका दी अपने प्रदेश वाले, इन्होंने 400 करोड़ रुपए स्टेट वालों को देना है। लेकिन आपको भरोसा करते हो, अश्विनी वैश ने भी हमारा गांव ने कर लिया, चिंता मत करो। तो एक बार दो चार लोग मान लिया आ जाओ, ये जो आपने कहा है प्रबंधन से किशनगढ़, जिसका बता रहे कि 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में फायदा होगा, निश्चित रूप से कहीं से भी पैसा आवे अश्विनी जैन के पीछे पड़ के मैं इस काम को पूरा करूंगा। बहुत बहुत